इस अयोग्य शिक्षा मंत्री को, जो ऐसा गोबर शिक्षा मंत्री झारखंड में कभी मिला नहीं, जो मंत्री बनने के बाद मैट्रिक का परीक्षा देता और इंटर का नाटक बनाकर रख दिया है राज्य को। मुख्यमंत्री से आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं, इस मंत्री पर आप लगाम लगाइए और अविलंब इसको बर्खास्त कीजिए, और बर्खास्त करके दूसरा शिक्षा मंत्री को बनाइए, दूसरे लोगों को नहीं। तो अगर ये ऐसा ही बेकाबू रहेंगे, बेलगाम बोलते रहेंगे, इनके घर पर हम लोग जो की चढ़ाई करने वाले हैं। किसी भी हालत में 1932 का खतियान मंजूर नहीं होगा, ये आप जान लीजिए, किसी भी हालत में 1932 का खतियान नहीं माना जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अखिल भारतीय भोजपुरी मैथिली अंकिका मंच के द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि सरकार भाषा और खतियान के नाम पर जनता को भड़का रही है। अगर आप 1932 के खतियान और भाषाई हमला कीजिएगा, घुसपैठिए कहिएगा, तो आज हमारा यह मंच तय किया है कि बिहारियों के सम्मान में भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका बोलने वाले, उनके सम्मान के लिए हम लोग झारखंड से एक अलग राज्य का गठन करने का पूरा मांग करेंगे। देखिए, बोलने वाले अब राज्य में जो है इस भाषा को लेकर आग लगाना चाहते हैं, जबकि कोई भी देश और प्रदेश संविधान से चलता है और संविधान में और लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन भाषा के नाम पर आप लोगों को उसका नहीं सकते हैं, उस पर आप निजी हमला नहीं कर सकते हैं। अफसोस है कि राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार कुछ दिनों से भोजपुरी मगही मैथिली और अंगिका भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति वो जो है कि अत्यंत जो है निंदनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अपने जुबान को लगाम जहर उगलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस अयोग्य शिक्षा मंत्री को, जो ऐसा गोबर शिक्षा मंत्री झारखंड में कभी मिला नहीं, जो मंत्री बनने के बाद मैट्रिक का परीक्षा देता और इंटर का नाटक बनाकर रख दिया है राज्य को, शिक्षा विभाग सरकार का एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी वाला विभाग होता है, जिससे राज्य का विकास और समाज का विकास जो है उस पर आधारित होता है, नौजवानों का भविष्य उस पर टिका रहता है, शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन पर। लेकिन ऐसा आयोग शिक्षा मंत्री 22 बरस के इतिहास में झारखंड के बनने के बाद हम लोगों ने कभी देखा नहीं। मुख्यमंत्री से आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं, इस मंत्री पर आप लगाम लगाइए और अविलंब इसको बर्खास्त कीजिए, और बर्खास्त करके दूसरा शिक्षा मंत्री को बनाइए, दूसरे लोगों को नहीं। तो अगर ये ऐसा ही बेकाबू रहेंगे, बेलगाम बोलते रहेंगे, इनके घर पर हम लोग जो है कि चढ़ाई करने वाले हैं। और जब बिहारियों का नाम लेकर घुसपैठिए कहिएगा, तो इसका क्या नतीजा होगा आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। हमारी मंशा कतई नहीं है कि हमारी जो है लड़ाई कोई निजी हो, व्यक्ति टू व्यक्ति हो, क्योंकि हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। हम सरकार के प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, सरकार का इस पर क्या बयान है, इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं करती है, तो ये जान लीजिए कि आने वाले दिन झारखंड में मगही भोजपुरी मैथिली अंगिका बोलने वाले लगभग 1.5 करोड़ की आबादी, जो कि राज्य के 2/3 हिस्से में रहते हैं, लगभग 19 जिलों में लोग जो है भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका बोलने वाले लोग हैं। पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, सब भोजपुरी बोलते हैं। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूरी मगही बोली जाती है, मगही का इतिहास है। और देश जो है ये भरतखंड भारत जो है इतिहास से चलता है,
और संविधान से चलता है। कैलाश जी, घर पर चढ़ाई करने के पहले मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप लोग कि भाई मंत्री पर लगाम लगाइए, तो भोजपुरी भोजपुरी सब बोलते रहे हैं। ऐसा है कि अभी हम लोग का अगले सप्ताह में महापंचायत होने जा रहा है, उसमें हम लोग हजारों लोगों को आमंत्रित किए हैं। आज तो हम लोग सेलेक्टिव लोगों का बैठक किए थे और उस महापंचायत में हम लोग राज्य के लिए एक बड़ी घोषणा आंदोलन का करेंगे। अगर ये मंत्री जो है अपने आप में लगाम में कंट्रोल नहीं करते हैं तब, और अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं तब, निश्चित रूप से राज्य में एक मजबूत जन आंदोलन का प्रारूप तैयार होगा और उसमें उसी दरमियान में मंत्री का घर भी घेराव होगा। मंत्री को हम लोग घर से निकलने नहीं देंगे और हम लोग अपनी शक्ति बताएंगे कि आप जो है इस भाषाई जो हमारे मगही भोजपुरी मैथिली अंगिका बोलने वाले लोगों पर आप जो निजी हमला कर रहे हैं, इसका करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैलाश जी, लगता है आपको कि मंत्री के मुंह से कोई और पीछे उनके सह दे रहा है चीज़ों को? मेरा इशारा सीधे सीधे सीएम से है। निश्चित तौर पर हम लोग पहले तो ऐसा नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब लग रहा है, चूँकि लगातार मंत्री के द्वारा बोलना और कुछ लोगों को उकसा कर रोड पर निकलवाना, अब समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से ही काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी हालत में 1932 का खतियान मंजूर नहीं होगा, ये आप जान लीजिए, किसी भी हालत में 1932 का खतियान नहीं माना जाएगा। स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट जब राज्य का स्थापना वर्ष हुआ था 15 नवंबर, उस दिन से माना जाएगा, नहीं तो एक ही दिन तीनों राज्य का बंटवारा हुआ था, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड भी था झारखंड के साथ में। आप जो है छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड के तौर पर जो है आप इसको जो है स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट तैयार कीजिए, अन्यथा झारखंड में जो है फिर से 24 जुलाई 2002 का पुनरावृत्ति हो जाएगा। सर, क्या एक भाषण में बोल रहे थे कि मॉरिशस की तरह, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप 1932 के खतियान और भाषाई हमला कीजिएगा, घुसपैठिए कहिएगा, तो आज हमारा ये मंच तय किया है कि बिहारियों के सम्मान में भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका बोलने वाले 60 से 70% आबादियों के लिए, जहाँ 2/3 राज्य में लोग रहते हैं, उनके सम्मान के लिए हम लोग झारखंड से जो है कि एक अलग राज्य का गठन करने का पुनः मांग करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए कैमरा को। और ये आग जो है अभी कारवा बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए सरकार अविलंब जो है अपरिपक्व आयोग और गोबर मंत्री को हटावे, नहीं तो राज्य में जो है अभी जो है लकीर हम लोग जो बड़ा खींचने का तैयारी कर ले। और पूरे जिले में हमारा जो है कि चर्चा हो रही है इस विषय को, पूरे राज्य के लोग आक्रोशित हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार और लोगों से हमारा कोई निजी जो है द्वेष हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, देश और प्रदेश संविधान से चलता है, व्यवस्था से चलता है, उसको जो है आप अगर नज़रअंदाज करके काम कीजिएगा तो समाज चुप नहीं बैठ सकता। कैलाश जी, आप आरजेडी में भी रहे, आरजेडी का क्या रोल है महागठबंधन में? देखिए, आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अपोजिशन का और कोई पार्टी हो, इस मामले में सबको अपना अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। ये लड़ाई जनता की होगी, ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं होगी। अगर राजनीतिक पार्टी को जनता का सम्मान करना होगा तो इस मंच पर आना होगा और इसके माध्यम से समाज का सम्मान करना होगा और समाज के हित में जो है कि काम करना पड़ेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।